नमस्कार, स्वागत है आपका एटीएस न्यूज 11 में देश भर की ताजा खबरों के साथ है। मैं रश्मि। हमारे यूट्यूब चैनल एटीएस न्यूज 11 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बने रहे हमारे साथ। नोएडा के सेक्टर 45 में जहां पे केसर वाणी बेसे समाज नोएडा जो कि हर साल दुर्गा पूजा का आवेदन करता है और केसर वाणी के जो मेंबर है वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो दुर्गा पूजा है वो कब से कर रहे हैं और किस टाइम से कर रहे हैं। सर सर दुर्गा पूजा कब से कर रहे हो और आपका कितना साल हो गया? ये माँ दुर्गा की हम लोग आठवां जागरण है, आठ साल से करते आ रहा हूँ। आठ साल से हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब कि आपकी कोई मेंबर पार्टी है केसरवानी समाज है या आपका या पर्सनल मेंबर है आपके? ये हमारे केसरवानी समाज का है। तो सर जैसे आप लोग जो दुर्गा पूजा करते हैं वो हर साल से करते हैं या क्या है आपका? सर मैं ध्रुव कुमार हूँ और दिल्ली में द्वारका केसरवानी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण हुआ उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और अध्यक्ष केसरवानी वैश्य सभा दिल्ली का भी रहा। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस नोएडा जैसे जगह पर जहाँ व्यक्ति अपने कारोबार और अपने रोजगार में व्यस्त हैं और ऐसे समय में हमारे कुछ नौजवान साथी अमित जी हैं और लोग हैं शिवम जी हैं, ऐसे लोग जुड़कर इन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि जो जो हम तरक्की कर रहे हैं हम लोगों का ध्यान व्यवसाय व्यापार नौकरी में बढ़ती चली जा रही है लेकिन आध्यात्म धर्म के प्रति हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। सच कहूँ तो मेरा तो ये मानना है कि यदि इंसान ये जानता है कि वर्षा न होगा तो फसल बर्बाद हो जाती है लेकिन जिस परिवार में संस्कार नहीं होगा वो परिवार ही बर्बाद हो जाएगी। सर अभी दो साल से कोविड चल रहा था तो सारे दुर्गा पूजा सारे त्यौहार सब बंद हो गए थे, तो अभी जब कोविड खत्म हुआ है और सारी चीज स्टार्ट हुई है तो आपको कैसा लग रहा है? सर ये तो ये कह दीजिए कि भाई सोने में सुहागा। लोग इतने डरे हुए सहमे हुए थे कोविड कार्यकाल में कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं और जब इस तरह का मौका मिला तो और उत्साह से दुगने उत्साह से इस कार्यक्रम में शरीक और शिरकत करने लगे हैं। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ये दिन दूना रात चौगुना इनका कार्यक्रम बढ़ता फूलता रहे। और आपने देखा ये